आपको जानकारी हम राधा रानी के मामले को लेकर भी करेंगे। अयोध्या में रामलला का मंदिर पूरी दुनिया में हिंदू आस्था का प्रतीक चिन्ह बन चुका है और मंदिर की निर्माण शैली हो या वास्तुकला हो, पूरी दुनिया नए रामलला के नए मंदिर को देखकर मन मुक्त हो जाती है। लेकिन इस मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला, महिमा आपको बताएंगी। बिल्कुल, देखिए विवाद काफी ज्यादा बढ़ भी रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में आप बखूबी जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। आपने देखा तमाम बड़े जो चेहरे वो भी पहुंचे थे, लेकिन टपका पानी कहानी क्या है ये आपको बता देते हैं। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक दावा किया है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एक बड़ा बयान दिया जो कि सुर्खियों में भी आया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के छत से रिस रहा है पानी। ये वो कह रहे हैं कि पानी रिस रहा है, बारिश में मंदिर के छत से पानी रिसने की शिकायत उनकी तरफ से दर्ज की गई है। लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्येंद्र दास के बयान पर नृपेंद्र मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उनका रिएक्शन सामने आया, मैंने पहली मंजिल से वर्षा जल गिरते हुए देखा है, वो भी ये बात कबूलते हुए नजर आ रहे हैं। और गुरु मंडप खुला हुआ है, काम जो है वो प्रगति पर है, जब काम पूरा हो जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। काम पूरा होने पर जो है वो शिखर ढक जाएगा और जो परेशानी अभी आ रही है वो परेशानी नहीं आएगी, कोई डिजाइन या फिर निर्माण समस्या नहीं है। ये बात नृपेंद्र मिश्रा सफाई के दौरान ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा विवाद है, ये लगातार हमने आपको बताया। इस पूरे मामले को लेकर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की, आप उस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या में 500 सालों बाद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बनने का सपना पूरा हुआ तो दुनिया के कोने कोने में श्रीराम का जय घोष हुआ। 500 सालों के संघर्ष के बाद इस सपने को खुली आंखों से सच होते देखना हर सनातनी के लिए गर्व का क्षण बन गया। राम भक्तों ने सनातन के इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पीएम मोदी को दिल से साधुवाद दिया। मंदिर की बनावट, श्रीराम की अतुलनीय छवि और मंदिर की अप्रतिम सुंदरता भी लोगों का मन मोह ले गई। लेकिन अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को एक साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर एक विवाद सुर्खियों में आ गया है। जी हां, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के छत से पानी टपकने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ छत से पानी टपक रहा है। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है, इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। आचार्य सत्येंद्र दास का दावा है कि पहले ही बारिश में रामलला के ऊपर बने छत से बारिश का पानी रिस रहा है। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अयोध्या में मंदिर में जिस गति से काम हो रहा है किसी भी सूरत में मंदिर का निर्माण कार्य जुलाई 2025 तक पूरा होना संभव नहीं दिख रहा। हालांकि उन्होंने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन मंदिर की छत से पानी टपकने की शिकायत करते हुए उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास के इस बयान पर श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बारे में प्रेस रिलीज भी जारी की है और न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में इसके पीछे की वजह बताई है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं अयोध्या में हूँ, मैंने पहली मंजिल से बारिश का पानी गिरते हुए देखा है। क्योंकि गुरु मंडप खुला है, जब इसके शिखर का काम पूरा हो जाएगा तो ये ढक जाएगा। फिलहाल ऐसे हालात में ये होना ही है, ये कोई डिजाइन या निर्माण समस्या नहीं है। जाहिर है वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना हर सनातनी के जीवन का सपना पूरा होने जैसा है। ऐसे में मंदिर पर आई जरा सी भी समस्या सभी को परेशान कर जाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की भी चिंता इसी सिलसिले में है। बहरहाल समस्या अस्थाई है और उम्मीद है कि रामलला विराजमान के मंदिर में आई समस्या का हल मंदिर निर्माण समिति फौरन निकाल लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।